गाइज, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि स्क्विड गेम्स की स्टोरी को हर किसी ने लगभग 10 साल तक रिजेक्ट किया था, और उसके बाद कहीं जाकर नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम्स को बनाने के लिए $21 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, और आज ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज में से एक है और अभी तक $900 मिलियन से भी ज्यादा कमा कर दे चुकी है। सो गाइज, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। राजस्थान के माउंट आबू से 10 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव जवाई में कई सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहां पर शादी के बाद दामाद हमेशा के लिए ससुराल जाकर बस जाते हैं, यानी कि शादी के बाद दूल्हे की विदाई होती है, दुल्हन की नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जवाई गांव में लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में लड़कों की संख्या काफी कम, और गांव में लड़कियों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने में काफी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए वहां पर लड़कों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसी परंपरा को शुरू किया गया था, और तभी से यहां पर शादी के बाद लड़कियों की विदाई ना करने की परंपरा शुरू हुई। गाइस, आपको लड़कों की विदाई की ये परंपरा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की खबरों को लेकर खूब चर्चा बनी हुई है, और बड़ी बात यह है कि ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में विकी कौशल और कैटरीना कैफ के रोके की रस्म कबीर खान के घर पर की गई। आपको बता दें कि कबीर खान कैटरीना कैफ के साथ एक था टाइगर में काम कर चुके हैं, जो कि सलमान खान स्टारर मूवी के डायरेक्टर थे, और कैटरीना कैफ कबीर खान को अपना राखी ब्रदर मानती हैं। ये फंक्शन बिल्कुल इंटीमेट रखा गया था, इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही शामिल किया गया था। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये दोनों दिसंबर में शादी भी करने वाले हैं। गाइस, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे इलॉन मस्क ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिससे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। उन्होंने एक प्रीमियम फोन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि फीचर्स के मामले में एप्पल के आईफोन से भी आगे निकलकर एप्पल को मात देने की तैयारी में है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जब टेस्ला कंपनी घाटे में थी, उस वक्त उन्होंने एप्पल को टेस्ला कंपनी खरीदने के लिए बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन एप्पल ने एलोन मस्क के साथ मीटिंग तक करने से इनकार कर दिया था। और शायद इसी बात को एलोन मस्क ने याद किया होगा और एप्पल किलर फोन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी होगी। दूसरी तरफ एप्पल भी इलेक्ट्रिक कार्स में टेस्ला को टक्कर देने के लिए उतर गई है। अब इन दोनों की जंग में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जीतेगा कौन। गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।